अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरा नाम नदीम अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला तहसील शहबाद का रहने वाला हूँ। मेरी 5 बहनें हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है और 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई जो है वो अस्पताल में एडमिट है और मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम महक है, सबसे छोटी सगी बहन है मेरी। वो उसको जो है हिंदू संगठनों ने अगवा कर लिया है और वो ना तो हमें उससे मिलने दे रहा है ना हमारी बात करा रहा है। और जब हम उनसे बोल रहे हैं तो वो कह रहा है ये तो हिंदू ही मुसलमान है ही नहीं, तुमने इसको मुसलमान बना रहे हो। और हमारी पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही, हमें एसपी साहब के पास गए उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी और आईजी डीआईजी साहब सबके पास हमने कॉल करी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और मेरे पास उसके मेरी बहन के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 से लेकर 10 तक के मौजूद हैं सर। देखो ये सारे आधार कार्ड पैन कार्ड मार्कशीट वगैरह सब कुछ है और उल्टा हमें धमकाया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है तुम्हें उल्टे केस में फंसा देंगे, बंद कर देंगे तुम्हें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें पुलिस हमारे घर पे पहुंच पहुंच के परेशान कर रही है। हम बहुत परेशान हैं साहब, हमारी कोई मदद कर सकते हो तो करो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मदद करो। मेरा नंबर पर फ़ोन करके मेरी मदद कर सकते हो तो करो। मेरा नंबर 8010244802522244। मुसलमान को हिंदू बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरी मदद करो। जितनी वो छोटी बहन है उसका हिंदू लोगों ने अपहरण कर लिया है और अपहरण करके उसका धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उसको करा दिया है, उसको हिंदू बना रहे हैं। अच्छा, और आगे बताइए। धर्म परिवर्तन करा के ना उन साहब उन्होंने जबरन उसको कैद कर लिया है और हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना हमसे बात करने दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं वो हिंदू है। और सब सारे इसकी सुनवाई करने के लिए हम थाने पहुंचे तो हमारा केस दर्ज नहीं हो रहा सर, फिर और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सर उल्टा हमें धमकाया जा रहा है, पुलिस हमें परेशान कर रही है। तो फिर क्या करा आपने? तो सर हमने वीडियो वायरल कराई अपना, वीडियो बना के वीडियो बना के वायरल कर दिया। तो सर उसके मतलब जब वो वीडियो फैला है काफ़ी, तब पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज किया है, वो भी मुकदमा दर्ज हमारा भी किया है उनका भी किया है क्रॉस केस बनाने के लिए। तो तुम्हारी बहन तुम्हारे ही खिलाफ है, उसको ऐसा कर दिया? जी ऐसा कर दिया उन्होंने। तुम्हारे वो बता रही है कि मैं हिंदू हूँ? जी। तो इस मामले में पुलिस साथ नहीं दे रही है? बिल्कुल साथ नहीं दे रही है सर पुलिस। जी जी सर, ये लोग बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये इनमें भाजपा का दबाव है, भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और सर बिल्कुल हमारी कहीं से कहीं सुनवाई नहीं कर रही है। और हमारी जो छोटी बहन है वो 14 साल की नाबालिग है सर वो, और उसके सारे 1 से लेकर 10 तक के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं सर, फिर भी हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है ये, और उल्टा हमें धमका रहे हैं और क्रॉस केस बना रहे हैं। हमारा मुकदमा लिख तो लिया लेकिन इन्होंने और हमारी खिलाफ़ भी मुकदमा लिख दिया। इसमें हमारी बहन है उसको इन्होंने उसके नकली कागज़ बना के, जाली कागज़ बना के, जाली मार्कशीट बना के उसकी उम्र ज़्यादा दिखाई गई, इन्होंने उसको नौकरी सरकारी नौकरी का झांसा दिया, पैसे का लालच दे के हमारे खिलाफ़ उसको खड़ा कर दिया। अब हिंदू बता रही है अपने आपको? जी वो हिंदू बता रही है और सर हम मुसलमान लोग हैं और वो मुस्लिम है सर हमारी बहन, और हम भी मुसलमान हैं और सर उसके 1 से लेकर 10 तक के सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। सर एक लड़की के अपहरण से संबंधित मामला संज्ञान में आया है, क्या है पूरा मामला सर? एक युवती ने तहरीर दी है कि कुछ लोग जबरदस्ती उसके माँ बाप होने का दावा कर रहे हैं, इस संबंध में मामला पंजीकृत कर लिया गया है और लड़की पुलिस के कब्जे में है, उसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। दूसरे तथाकथित माँ ने भी तहरीर दी है कि उसकी लड़की का अपहरण हो गया है, उस संबंध में भी तहरीर ले ली गई है, मामला पंजीकृत कर लिया गया है, उसका भी